देखिए बात, स्वागत है आपका। कन्नौज से बड़ी खबर है, आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर हादसा हुआ है। अनियंत्रित तेज रफ्तार कार ट्रक में जा घुसी है और एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत हो गई है। ड्राइवर की नींद बनी है 6 मौत का कारण। और लखनऊ से मेहंदीपुर बालाजी दर्शन करने जा रहे थे ये लोग। कन्नौज के तारग्राम क्षेत्र का हादसा है और सीएम योगी ने हादसे पर दुख जताया है। तो कन्नौज में लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पर बड़ा हादसा हुआ है, 6 लोगों की इस हादसे में मौत हो गई। बताया जा रहा कि अनियंत्रित तेज रफ्तार कार खड़े ट्रक में जा घुसी है और मौके पर ही 6 लोगों की मौत हो गई है। ड्राइवर की नींद की वजह से यह हादसा हुआ है और 6 मौत का कारण भी ड्राइवर की नींद बनी है। लखनऊ से मेहंदीपुर बालाजी ये सभी लोग दर्शन करने जा रहे थे, तभी कन्नौज के तालग्राम में इनकी गाड़ी हादसे का शिकार हो गई और 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। तो कन्नौज में आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर शुक्रवार रात खड़ा ट्रक एक ही परिवार के 6 लोगों के लिए काल बन गया। तालग्राम क्षेत्र में आधी रात तेज रफ्तार कार धीमे चल रहे ट्रक में पीछे जा घुस गई और हादसे में उसमें सवार 6 लोगों की जान चली गई। कार सवार परिवार लखनऊ के काकोरी थाना क्षेत्र के निवासी थे और मेहंदीपुर बालाजी दर्शन करने जा रहे थे। बताया जा रहा है कि चालकों को झपकी आने से ये हादसा हुआ है और आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर तालग्राम थाना क्षेत्र के 165 किलोमीटर पॉइंट पर ट्रक खड़ा था। रात करीब 1 बजे चालक को नींद की झपकी आने से अनियंत्रित तेज रफ्तार कार एक्सप्रेस वे पर धीमे चल रहे ट्रक में पीछे से घुस गई और हादसे में सभी घायल परिवार कार में ही लहूलुहान हालत में फंस गए और कुछ ही देर में सभी ने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। एक्सप्रेस वे से गुजरने वाले वाहन सवारों ने हादसा देखकर यूपीडी और पुलिस को सूचना दी। कुछ देर बाद यूपीडी कर्मचारी और पुलिस मौके पर पहुंचे। कार में फंसे लोगों को कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया और मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचाया गया। अस्पताल में डॉक्टरों ने परीक्षण के बाद सभी को मृत घोषित कर दिया। एक्सप्रेस वे एक्सीडेंट हुआ था जो कि 1 बजे के टाइम पे हुआ और सारे जो 6 मरीज आए थे जिसमें सारे मृत अवस्था में लाए गए। यहाँ पे मेडिकल कॉलेज में 3 बजे के आसपास आए गए सारे मरीज। मृतकों की संख्या कितनी है डॉक्टर? 6 लोग मृत अवस्था में लाए गए। हाँ, सारे मृत अवस्था में लाए गए। कन्नौज से हमारे संवाददाता दिलीप हमारे साथ लाइव जुड़ गए इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ में। दिलीप, लगभग रात में कितने बजे ये हादसा हुआ है और ये सभी लोग कहाँ से कहाँ जा रहे थे? जी, आपको लगभग 1 बजे का हादसा बताया जा रहा है। सभी लोग मेहंदीपुर बालाजी से होकर अपने घर की तरफ जा रहे थे तो तालिग्राम के पास एक ट्रक खड़ा हुआ था जिसमें ये सभी कार चालक जो टकरा गए और चालक को झपकी आने की बात बताई जा रही है। पूरे हादसे का कारण जो है चालक को झपकी आने से ये हादसा हुआ है। हालांकि बचाव कार में फौरन यूपीडा के अधिकारी मौके पर पहुंच गए थे और पुलिस की टीमें काफी पहुंच गई थी, लेकिन आपको बता दें हादसा इतनी जोरदार था कि किसी को भी मौके पर बचाया नहीं जा सका है। जो भी अस्पताल में पहुंचे थे उनको डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया था। जी दिलीप, मृतक में कौन कौन शामिल है परिवार में? कौन कौन 6 लोगों में कौन कौन लोग थे? कुछ आपस में दोस्त बताए जा रहे हैं, कुछ आपस में रिश्तेदार बताए जा रहे हैं। जो भी लोग मृत हैं अभी परिजन आने वाले हैं, परिजन जो को सूचना दे दी गई है और मौके पर आला अधिकारी भी पहुंचे हैं वहां पर जो कि शिनाख्त कर रहे हैं सभी के बारे में। जी जी दिलीप, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस हादसे में मौत हो गई है, सभी लोग लखनऊ काकोरी इलाके के निवासी बताए जा रहे हैं। परिजन हालांकि सूचना दे दी गई है, पहुंच रहे हैं वहां पर और सभी लोग लखनऊ से मेहंदीपुर बालाजी दर्शन करने के लिए जा रहे थे।
तो भीषण सड़क हादसा हुआ, 6 लोगों की मौत हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस हादसे पर दुख जताया है। कल देर रात की यह घटना है जब सभी लोग लखनऊ के काकोरी से मेहंदीपुर बालाजी के लिए दर्शन करने के लिए निकले थे, लेकिन रास्ते में ही इनकी गाड़ी हादसे का शिकार हो गई और कार में बैठे 6 के 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे की वजह अभी तक जो बताई जा रही है, ड्राइवर जो था उसको नींद आ जाने के कारण कार ट्रक में जा घुसी और मौके पर ही सभी 6 लोगों की मौत हो गई। पाए हर खबर सबसे पहले सिर्फ लाइव टुडे पर। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।